बागपत जनपद में एक बार बड़ी संख्या में गोवंश कटान का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया, जहां शहर में कोतवाली इलाके में आधा दर्जन से करीब लोग गोवंश के अवशेष मिले हैं, जबकि कुछ अवशेषों को गहरे कुएं में फेंका गया है। दरअसल मामला कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर महावना गांव का है, जहां आज सुबह ग्रामीणों ने एक खेत में कुछ गोवंश अवशेष पड़े देखे, जिसके बाद इसकी सूचना संगठनों की गई, जिसके चलते हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और हंगामा किया गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए कटान करने लगे और लोगों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो वो लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, मजबूर हो जाएंगे। वैसे सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस के साथ पुलिस अधिकारी और मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सूरजपुर लहनवा में गायें काटी गई हैं, इस जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। इसका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। कितनी गायें काटी हैं? ये 5 से 6 गायें काटी गई हैं यहाँ पे। नहीं, मैं अभी वहाँ घटनास्थल से ही आ रहा हूँ। मंदिर के पास ही नहीं है, मंदिर से तो काफ़ी दूर है। वहाँ एक खेत है जहाँ पे बगल में एक भट्ठे के लिए जमीन बराबर करके काम हो रहा है और बगल में गन्ने का खेत है और एक ASI है दिल्ली पुलिस में, उनके खेत में ही कुआं है। 3 जगह पे काफ़ी ब्लड पड़ा हुआ था और पेट के अंदर जो गोबर वोबर होता वो पड़ा था। एक जगह के इंजेक्शन भी पड़ा हुआ मिला। और ये जो टटीरी से एक रोड जाती है और जा करके अहेड़ा वाले गांव के पिच रोड में मिल जाती है, ऐसा लग रहा जैसे कि सड़क से जो ये गोवंश के आवारा गोवंश के घूम रहे हैं, बिजाड़ वगैरह कोई इंजेक्शन वगैरह दे करके पहले बेहोश किया गया, फिर ले जाकर उस गन्ने के खेत के पास उनको काट करके, और बगल जो कुआं था उसमें जो चमड़ा है और जो सिर पैर की जो वेस्टेज है उसको कुएं में डाल दिया गया है। मांस को जो है वो किसी छोटी गाड़ी वगैरह में ले जाया गया है। वहाँ पे कुछ टायर के निशान भी थे उस तरफ जो खेत की तरफ भट्ठा है। तो इसमें पहले भी कई लोगों को पकड़ा गया, उस पर गैंगस्टर भी लगाया गया, पुलिस मुठभेड़ भी बंद हुए, हिस्ट्री सीट भी खोली गई है। लोनी और आसपास के लोगों का इसमें काफ़ी लिंक रहता है। एक बार एक गाड़ी यहाँ पकड़ी गई थी खराब होने से, वो भी पूरा गैंग लोनी का ही निकला था, हालांकि वो लोग अभी जेल में हैं। तो इसलिए इसमें टीम बना दी गई है और इसको मुकदमा लिख करके पुलिस की तरफ से ही मुकदमा लिखवाएंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे, इसको वर्कआउट करके फिर उनके विरुद्ध बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में भी उसी जगह लोहारी गांव में गोवंश कटान हुआ था, उसमें पुलिस चौकी पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन कल भी उसी जगह का कटान हुआ, तो क्या कारण है, गौ तस्करों पर लगाम क्यों लग पा रही है? नहीं, वो लोहारी गांव में जो गोवंश मिले थे वो नहर एक छोटी सी जा रही थी उसके किनारे थे, वहां पे नहीं हुआ था कल। कल एक खामपुर गांव पड़ता है उससे और भी पहले, जब इधर से जाते हैं नैथला रोड से और लिंक रोड है, तो इसी तरह के लोग हैं बाहर से जो रोड पे कुछ मिल जा रहा है। काफ़ी बीच में कार्रवाई हुई थी तो इधर 2 महीने तक, तो अक्टूबर के बाद तो कोई इस तरह घटना नहीं हुई थी, लेकिन अब पुनः ये 2 घटनाएं हुई हैं। इसमें अभी एक दिन जो है एक लोग इंजेक्शन लगा रहे थे, हमारी फैंटम पीछे पहुंच गई थी, उनको दौड़ाया और भाग गए थे गाड़ी छोड़ करके, और उस गाड़ी के माध्यम से भी और माध्यम से भी गाड़ी का नंबर देख करके गिरोह को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को